हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ प्रज्ञा एकेडमी। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में देख रहे थे, हम देख रहे थे किसके बारे में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। और हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्या, यूरिन फॉर्मेशन। क्या किया ना, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर क्या नाम है, हमने अभी तक स्टेप्स के बारे में देखा था। स्टेप्स कौन कौन सी होती है, तो स्टेप कौन कौन सी होती है उसमें होता है सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन, और फिर उसके बाद में क्या होता है, सीक्रेशन होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले क्या करते हैं, हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये ये क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, क्या ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हमने कुछ ऐसा बोला था कि भाई जो यहाँ पर क्या होती है, रीनल आर्टरीज होती है, क्या होती है, रीनल आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती है, ऐसे जाती हैं, ठीक है, ठीक है। क्या होती है, वो ऐसे जा रही होती है, ठीक है, यहाँ से आती है वो वापस की तरफ, इधर की तरफ चले जाती है, ठीक है। अब भाई क्या है कि रीनल आर्टरी है, क्या है, रीनल आर्टरी है, एक होती है एफरेंट आर्टरी और एक होती है इफरेंट आर्टरी, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, ये जो सारी चीजें होती हैं, ठीक है, ये जो सारी चीजें, इसे बोलते हैं हम, पूरा जो टफ बनाते हैं इसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं, बोलते हैं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसे क्या बोलते हैं, बोमांस कैप्सूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोमांस कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर ये बोले थे सही, क्या है, पीसीटी है, क्या है, पीसीटी है। ये क्या है, यहाँ पर हेनले लूप है, हेनले लूप को हमने जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये क्या है, डीसीटी है, ये क्या है, डीसीटी है। और ये क्या है, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट, क्या है, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। हम इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख रखी है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, हम देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्या देखते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो ये वाली आर्टरी है, इसे हम बोल देते हैं क्या, एफरेंट आर्टरी, क्या बोल देते हैं, एफरेंट, क्या बोल देते हैं, एफरेंट आर्टरी, जो कि क्या करती है, पूरी बॉडी से ब्लड लेकर आती है, पूरी बॉडी से क्या लेकर आती है, ब्लड को लेकर आती है, और ब्लड लाकर कहाँ डाल देती है, वो इसके अंदर डाल देती है, इसके अंदर डाल देती है। यहाँ पर कैपिलरी का एक गुच्छा होता है, उसके अंदर वो जो सर्कुलेट होता है, तो यहाँ पर लगी होती है कुछ बारीक बारीक छलनियाँ, क्या लगी होती है, बारीक बारीक छलनियाँ, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। और उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है, क्या होता है, हमारा ग्लूकोज, सॉल्ट, अमीनो एसिड्स, यूरिया, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, उसमें फिल्टर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उसमें फिल्टर हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। मतलब जो यहाँ से आर्टरी आएगी, उसके अंदर ब्लड होगा, ब्लड के अंदर क्या होंगे, यूरिया, अमीनो एसिड, ठीक है, ग्लूकोज, साल्ट, ये सारी चीज़ें होंगी। और वो जब यहाँ आएंगी तो क्या होगा, यहाँ पर वो फिल्टर हो जाएगा, और वो जो ग्लूकोज है, साल्ट है, अमीनो एसिड्स है, ठीक है, वो कहाँ हो जाएंगे, रह जाएंगे बोमांस कैप्सूल के अंदर, रह जाएंगे, क्योंकि फिल्टर हो चुका है वो। और जो बाकी बचा ब्लड है, वो कहाँ चले जाएंगे, इधर की तरफ चले जाएगा, किसके थ्रू चले जाएगा, वो इफरेंट आर्टरी के, किसके थ्रू चले जाएगा, इफरेंट
आर्टरी के थ्रू उधर की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया, क्या बच गया यहाँ पर, सॉल्ट, अमीनो एसिड्स, यूरिया और ग्लूकोज वगैरह, ऐसी चीज़ें बच गई, ठीक है। अब इनके बाद में क्या करते हैं, हम इनके बाद में देखते हैं कि इनका क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, अब ये जो फिल्ट्रेशन हुआ वो एक मिनट में समथिंग समथिंग कितना होता है, एक लीटर 1000 ml या फिर 1200 ml के समथिंग होता है, कितना होता है, 1000 ml या 1200 ml के समथिंग क्या होता है, एक बार में ये फिल्टर होता है, क्या होता है, एक मिनट में फिल्टर करती है ब्लड इतना किडनी है, ठीक है। अब क्या है भाई, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर ग्लूकोज वगैरह, अमीनो एसिड, ठीक है, और साल्स वगैरह के बच्चे हैं, उनका क्या होगा, ठीक है। तो भाई ग्लूकोज है तो ग्लूकोज तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, ऐसा थोड़ी उसको बाहर निकाल दें, ठीक है। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ गया, ठीक है, यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज आ गया तो उसे हम डायबिटीज़ का पेशेंट कहते हैं, ठीक है। क्या है, डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसे हो जाता है डायबिटीज़ मिलाइटस हो चुका होता है, ठीक है। तो मतलब जिसके यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ गया वो क्या हो गया, डायबिटीज़ का पेशेंट है, ठीक है। ग्लूकोज कभी भी यूरिन में नहीं आता है, ग्लूकोज कभी भी यूरिन में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो लेकिन फिल्टर हुआ, ठीक है, यहाँ पर तो क्या हुआ, फिल्टर हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या प्रोसेस है अभी देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, ये हमारे काम की चीज़ होती है, लेकिन यूरिया है एक वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, ये जो यूरिया है, ग्लूकोज है, साल्ट, अमीनो एसिड्स, क्या करते हैं, वो नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, वो पीसीटी की तरफ जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, पीसीटी की तरफ जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, वो क्या हो जाता है, यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। अब चलता है क्या, रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस चलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो वो प्रोसेस यहाँ पर क्या है, पीसीटी की तरफ जाता है, पीसीटी से हैंडल लूप के अंदर जाता है, हैंडल लूप से डीसीटी के अंदर होके हुए जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेस होती है रीअब्जॉर्प्शन की, क्या होती है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है। क्या होती है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, और रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में अप्रोक्सीमेट 99% अप्रोक्सीमेट 99% सारे जो केमिकल है, सारे जो लिक्विड पार्ट है जो कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वापस से खींच लिया जाता है, किसके थ्रू, इन ट्यूब्यूल के थ्रू, इन्हें क्या बोला जाता है, ट्यूब्यूल, ठीक है। ये जो रीनल ट्यूब्यूल है उनके थ्रू क्या किया जाता है, उनको खींच लिया जाता है, ठीक है। 99% ऑलमोस्ट 99% क्या कर जाता है, इसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इस तरीके से क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है क्या है, वापस आ जाता है, अमीनो एसिड वापस आ जाता है, लेकिन यूरिया है क्या होता है, वो वेस्ट होता है, इस वजह से उसको बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, उसको बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको, रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस तक, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे किसके बारे में, सीक्रेशन के बारे में, और जो यूरेथ्रा है वो पूरी बॉडी से क्या करते हैं, इसको बाहर कैसे एक्सपेल करते हैं, और हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो अदर ऑर्गन है जो कि क्या करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, धन्यवाद।